मंदिर को छेड़ो मत, मंदिर को सुंदर बनाइए, और पूजा पाठ सत्संग भजन हमारे देश में जितना चलता रहेगा, लोग अच्छे इंसान के रूप में संवर कर निकलते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य का मन इस माया की चकाचौंध में भटक जाता है। सत्संग के दो शब्द और मंदिर का दर्शन, मस्जिद में ये जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भाई, इसलिए बहुत से मुसलमान भाई बड़े अच्छे विचारधारा के, ये तो उत्पात खुराफात वही करते हैं जो मस्जिद में नमाज भी कभी पढ़ने जाते ही नहीं, और न तो ज्ञान सीखते कहीं पर, बस फालतू बात करते रहते हैं। याद रखना, नमाज हो या पूजा हो, दोनों प्रेम करना सिखाते हैं, और मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों जिंदगी में सहनशीलता ही सिखाते हैं, रहम करना सिखाते हैं। और रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है, शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर में तो मूर्ति धरी है, मस्जिद सफन सफाई है, और दिल दरगाह में झलक रहा है, कैसी नूर खुदाई है, कैसी नूर खुदाई है। खोल कर आंख बंदे झलक देख ले, नूर चमके खुदा का तेरे सामने, नूर चमके खुदा का तेरे सामने। खुद में खुदा, आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। एक बार भगवान पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। नारद जी पीपल के पेड़ के पास में पहुंचते हैं और भगवान से पूछते हैं, कहा कि जहां मैं बैठता हूं शांति से आदमी आ जाता है, भीड़ लगा देता है, पूजा पाठ शुरू कर देता है, हल्ला गुल्ला मचाता, घंटा बजाता, शंख बजाता, शांति भंग हो गई। भगवान की भी क्या शांति भंग हो सकती है? आदमी सोचता घंटा बजा दो, कितने लोग रात में जाते हैं 12 बजे घंटा बजा देते, अरे भगवान सो रहा होगा, तुम कहाँ घंटा बजा रहे हो? घंटा बजाने की भी तो कोई टाइम है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। कितने मंदिरों में तो 3 बजे उठकर ही चालू कर देते हैं, एक बाल्टी पानी भगवान की मूर्ति पर डाल देते। भगवान भी भाग गया होगा मंदिर से कि 3 बजे गहरी नींद आती हुई बाल्टी भर पानी डाल दिया इसने। मैं तो एक आश्रम पर गुजरात में गया, 3 बजे वहाँ एक इतना मोटा डंडा लेकर के आदमी आता था, बूढ़ा जैसा, बोलता था ओम उठो उठो, ओम ओम उठो उठो। तो कम से कम 1000 लोग सोए थे बड़े हाल में, मैं भी था वहाँ। तो हमने कहा इधर आओ, 3 बजा है, पहले अपने गुरु के पास जाओ, उसके गेट में डंडा मारो, वो सो रहा है, यहाँ ओम ओम फालतू कर रहा है, 4 बजे से पहले उठना ही नहीं, इधर जगाता उधर सो जाते लोग। अगर आपके ज्ञान का प्रभाव है तो इतना डंडा लेकर के इनको जगाना, सोने ना देना, ये कोई सत्संग है? याद रखना, मंदिर में भी 10 बजे के बाद बंद करो पूजा पाठ, और सवेरे 5 बजे शुरू करो, भगवान को भी रेस्ट लेने दो। भगवान रेस्ट ले ना ले, उसमें पुजारी को तो रेस्ट लेने दो कम से कम, वहाँ जो साधु संत रह रहे। पूजा पाठ में भी विवेक होना चाहिए, हल्ला गुल्ला मचाना, कैसेट बजा देना, शोरगुल कर देना, सवेरे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम है, वहाँ आवाज़ आ रही, उनका मन छितर बितर हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। पूजा का मतलब है विवेक करिए, कभी कभी चुपचाप शांति से पूजा कर लीजिए, डिस्टर्ब किसी का ना हो, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बताया गया है और खुद में खुदा बताया गया है। आप बाहर कहीं भी जाओगे आदमी ढूंढ लेगा, क्योंकि इसकी आंखें बाहर सब कुछ देखती, दिमाग बाहर काम करता। बोले फिर कहाँ जाऊं? बोले कंदरा में जाओ, मंदिर में जाओ, पहाड़ पर जाओ, जंगल में जाओ, आदमी ढूंढ लेगा। कहाँ जाऊं? बोले कहीं मत जाओ, आदमी के दिल में चले जाओ। तब से भगवान आदमी के दिल में चला गया, और आदमी आज भी उसको पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में ढूंढ रहा है, इसलिए भगवान कभी मिल नहीं रहा। कबीर साहब ने एक शब्द बड़ा सुंदर लिखा, मोको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में,
और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधु सब तेरे पास। जय। और परस्पर प्रेम से रहना, संभोजनम संकीर्तनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातवी सह कार्याणि न विरोधा कदाचन। नीति शास्त्र कहता है जो लोग परस्पर परिवार के साथ बैठकर साथ में भोजन भी करते हैं कभी कभी, साथ में बातचीत करते हैं कभी कभी, परस्पर प्रेम की चर्चा करते हैं कभी कभी, और भजन भक्ति करते हैं साथ साथ कभी कभी, ऐसे घर में याद रखना जो आपस में एक दूसरे का विरोध कदाचित विरोध नहीं करते, ना विरोधा कदाचन, ऐसे लोग अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं, वहाँ सदैव सुख रहता है। कभी भाई का विरोध मत करिए, प्रेम से रहिए। देवरानी जेठानी का विरोध मत करिए, प्रेम से रहिए, क्योंकि प्रेम ही एक सार है, बाकी सब बेकार है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई। प्रेम की गंगा अपने घर आंगन में बहाइए, बच्चों को भी प्रेम दीजिए, बच्चों से छोटी मोटी गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कीजिए। कितनी महिलाएं बच्चों को छोटी सी गलती पर बहुत ज़्यादा कूट देती है, अब धान कूटने को तो मिलते नहीं तो बच्चों को कूट देती है। अब कितनी महिलाएं आटा गेहूं पीसने का काम खत्म तो दांत पीसती रहती है। ये सब बंद करो, हंस के रहो, खुश होकर रहो। याद रखना जब एक नारी घर में हंसती है पूरा घर हंसने लग जाता है, पूरा घर हंसने लग जाता है। और जब एक नारी बैठकर किसी कोने में खुदक खुदक कर रोती है पूरा घर आंसू बहाने लग जाता है, पूरा घर आंसू बहाने लग जाता है। और जिस घर की स्त्रियां हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, दौड़ दौड़ कर काम करती हैं, वहां पर लक्ष्मी बरसती रहती है, वहां गरीबी नहीं आती है। और जिस घर की स्त्रियां रोज बीमारी बताकर लेटी रहती हैं, रोती रहती हैं, मायके को फोन करती रहती हैं मम्मी में पापा पे, उस घर में दरिद्र आ जाता है। मम्मी पापा को फोन करने की जरूरत नहीं है, वो पर्याप्त टेंशन में ऐसे ही रहते हैं। आप अपनी दुनिया को स्वयं संभालिए, आप अपने संसार को स्वयं संभालिए, आप अपने परिवार को स्वयं संभालिए, अपने ससुराल को स्वयं संभालिए। इतनी कला होनी चाहिए आपके पास में, जहाँ जाइए सबके ऊपर तुम्हारा प्रभाव पड़ना चाहिए और सभी लोग तुमसे खुश रहे और तुमको कभी मम्मी का सहारा लेना ना पड़े। साधु बनो, ऐसे साधु बनो, आश्रम में जाओ, आश्रम में तुम्हारा अधिकार बढ़ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए, सब लोग तुमको गले लगा लेना चाहिए। मन लगा करके आश्रम में रहो, अच्छी गुरु की सेवा करो, आश्रम को चमका दो। वहाँ माता पिता को फोन करने की जरूरत ही नहीं कि हमें ये हुआ। कितने लोग जिस दिन खिचड़ी खाते हैं तो मायके फोन कर देते हैं, अरे आज खिचड़ी खाए रहे हम, रोए रोए का करें हम। लेकिन जिस दिन खीर खाते तो कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते। कितने साधु भी ऐसे होते, हर हफ्ते हम अपने मम्मी पापा फोन लगाते, पापा आश्रम में सब कुछ ठीक है लेकिन रोज खिचड़ी खाए पड़ते हैं। अरे तो क्या खाना चाहते तुम, साधु को तो सादा भोजन ही करना चाहिए, बबरा खा लो, उसमें चावल में हल्दी मिलाकर सब्जी खा लो, चार ही भोजन सबसे टाप के हैं, रोटी दाल चावल सब्जी, इनसे अच्छा कोई भोजन ही नहीं, ये टाप का है, ये कभी तबीयत खराब नहीं होती इनको खाने से। बाकी इसके ऊपर जितना जाओगे तो तबीयत बिगड़ती है, इसलिए सादा भोजन सादा जीवन। और कभी कभी त्योहार है पर्व है, थोड़ा मालपुआ भी बना लीजिए, सेवई बना लीजिए, खीर बना लीजिए, थोड़ा समोसा बना दीजिए, एक समोसा खा लीजिए चटनी के साथ, लेकिन रोज नहीं। और सादे कपड़े भी, जितना तुम्हारे जीवन में सादगी हो उतना ज्यादा सुख होगा। व्यास गादी सभी को धन्यवाद देती है, आशीर्वाद देती है। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर जितने श्रोता आए हैं सबका मन खुश है, और इस तरह का प्रोग्राम आप अपने घर में अपने गांव में भी
करा सकते हैं कराइए। बहुत लोगों ने सोचा है मैं भी कराऊंगा, और एक दिन आएगा कि गुरु कृपा से आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो जाएगी और ऐसा ही प्रोग्राम तुम्हारे यहां भी होगा। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। दसवां और तेरही होने से पहले पहले आपकी कमाई का दसवां अंश धर्म में लग जाना चाहिए, और आपका शरीर, आपका मन, आपका धन सब जुट करके सुखो, आपकी आत्मा ऐसे ही बैतरणी से पार हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। साहिब बंदगी बोलो। साहिब